Welcome to my online class. This is Dr. Mohammad Ibrahim, Assistant Professor, Department of Computer Science, Ram Lakhan Singh Yadav College, Ranchi. My dear students, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो सेमेस्टर वन का जो पेपर है, कोर्स वन जो है आपका C और C++, उससे रिलेटेड जो फर्स्ट टॉपिक, जो फर्स्ट हमारा जो लेसन होगा या C का जो सबसे पहला पोर्शन होगा उसको हम लोग देखेंगे कि C हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और C की जो ब्रीफ हिस्ट्री है, C की कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, और C के फीचर्स है C लैंग्वेज के, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखें, C एक ऐसा लैंग्वेज है जो जनरल पर्पस प्रोसीड्यूरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है. अब जनरल पर्पस क्या है तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें कि बीटेक के स्टूडेंट हो या BCA के हो या BSc IT के हो या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में उन्हें सी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है. बिकॉज जब आप जर्नी शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर बनने का, डेवलपर बनने का, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है और सी इज़ द रूट लैंग्वेज, सी इज़ द मदर लैंग्वेज, जहां से आपको प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट क्लियर होगी और प्रोग्रामिंग के आप बेसिक से आप सीखना शुरू करेंगे. क्योंकि आप आने वाले समय में जो लेटेस्ट जो लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो जावा हो, .NET हो या पाइथन हो, आप सीखेंगे, तो अगर आप सी सीख के जाएंगे तो आपके लिए वो लैंग्वेज सीखना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है. तो पहले आप सी सीखें. तो सी जो है जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. और सी की अगर ब्रीफ हिस्ट्री की हम बात करेंगे तो सी का जो डेवलपर था वो है डेनिस एमरिची, ठीक है. डेनिस एमरिची ने सी को डेवलप किया था बेल लेबोरेटरीज जो USA में है, और कब किया था, 1972, ठीक है. ज़्यादा हमें हिस्ट्री में जाना नहीं है, आप हिस्ट्री खुद से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि सी की ब्रीफ हिस्ट्री, सी की हिस्ट्री क्या है, कैसे डेवलप किया गया था. लेकिन सी जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है वो सी में ही लिखा गया है, ध्यान रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिक्स है वो सी में ही लिखा गया था. उसके बाद में जो सी लैंग्वेज के का यूज़ करके बहुत सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या फिर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया. अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा सॉफ्टवेयर में सी का जो यूज़ किया जाता है जब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सी लैंग्वेजेस, ठीक है. तो ये ब्रीफ हिस्ट्री थी, आप इसको ध्यान में रखें. क्योंकि आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करें, आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे, आप सोर्स कोड लिखेंगे, ठीक है, और आपका जर्नी यहाँ से शुरू होता है. धीरे धीरे आप कहाँ बढ़ेंगे, आप एक प्रोग्रामर की तरफ बढ़ेंगे. अगर आपके आप ख्वाहिशमंद है प्रोग्रामर या डेवलपर बनने का, तो फिर आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है कि आप सी लैंग्वेज को अच्छे से सीखें और इसकी हर पॉइंट्स पे फोकस करें. अगर कोई बुक भी फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वन बाय वन करके आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी अ ग्रेट प्रोग्रामर, ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो, ठीक है. चले हम देखते हैं वन बाय वन करके. ये हो गई आपकी ब्रीफ हिस्ट्री के. अब हम आते हैं सी के फीचर्स के ऊपर. आखिर सी में क्या खासियत है, सी की क्या जो है इम्पोर्टेंस है कि जो इतना पॉपुलर है. सी लैंग्वेज डेवलप की बहुत साल हो गए, ठीक है, लेकिन आज भी इसकी पॉपुलरिटी क्यों है, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं. हम वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिखेंगे और उस पर हम ब्रीफ फोकस करेंगे, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए कि सी की इंपॉर्टेंस क्यों है और सी क्यों सीखा जाता है, ठीक है. चलें अब हम देखते हैं सी के फीचर्स क्या है, क्यों इतनी ये पॉपुलर है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी. तो सबसे पहले जो पॉइंट है, इजी टू लर्न. डेफिनेटली अगर ये इजी नहीं होता सीखना सी लैंग्वेज, तो फिर ये पॉपुलर नहीं होता. इसलिए हर कैंडिडेट जो अभी फर्स्ट ईयर में ही है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही है, 2-3 क्लास करने के बाद ही उसको सी समझ में आने लगता है, ठीक है, और वो फिर क्या है, प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देता है. तो सबसे पहला इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, इजी टू लर्न, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है. ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा कोड है जिसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है. तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो इजी टू लर्न है, यानी आप इसको आसानी से सीख सकते हैं. और दूसरा पॉइंट क्या है, ईजी टू डिबग. अब वॉट इज़ डिबग, डिबग चूँकि अगर हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे, सोर्स कोड लिखेंगे, तो उसमें एरर के चांसेस हो सकते हैं. डेफिनेटली एरर इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. तो एरर जब जनरेट होगा, एरर जब क्रिएट हो जाएगा, तो एरर को डिटेक्ट करना और उसको हैंडल करना, उसको हम डिबग कहते हैं, ठीक है ना. एरर रिमूविंग, एरर यानी एरर को रिमूव करना को हम क्या कहते हैं, डिबग करते हैं. तो डिबग करना भी आसान होगा, जब हम प्रोग्राम के सोर्स कोड को लिखेंगे, कंपाइल करेंगे, तो हमें स्क्रीन पे दिखेगा लाइन नंबर कितने में कौन सा एरर है, हम उसको इजीली जाकर उस लाइन में जाकर उस एरर को हटा सकते हैं. तो ये क्या हुआ, इजी टू डिबग हो गया, ठीक है. उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, ठीक है. इसमें स्ट्रक्चर का भी काफ़ी रोल जो है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सी एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है जो प्रोसेसर्स पे फोकस करती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करती है, और उसके बाद ये जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाती है. उसके बाद एफिशिएंसी पे हम बात करते हैं
कि एफिशिएंसी क्या है, इसकी जो आउटपुट है वो काफ़ी बढ़िया है, जल्दी करता है, फास्ट करता है, और इसकी जो एफिशिएंसी है, यह इसको हम कह सकते हैं सी इज़ एन एफिशिएंट लैंग्वेज। सी क्या है, एफिशिएंट लैंग्वेज है, ओके। उसके बाद फास्ट, वही फास्ट, यानी कि सी ऐसा नहीं कि थोड़ा पुराना हो गया तो फास्ट नहीं है, अभी भी फास्ट काम करता है, ये मशीन लैंग्वेज से ज़्यादा क्लोज है, आज के जो हाई लेवल मॉडर्न लैंग्वेज है उसके मुकाबले में सी जो है वो ज़्यादा क्लोज है, इसलिए ये फास्ट करता है। जैसे मशीन लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो मशीन लैंग्वेज मशीन में रन करता है, उसकी कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा फास्ट होता है। सी डेफिनेटली, सी इज़ नॉट अ मशीन लैंग्वेज, बट इट मे बी अ हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन कुछ ने कहा इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो जो भी है, हम इसको ये कहते हैं कि सी जो है ये मशीन से ज़्यादा क्लोज है, हालांकि इसकी भी अपनी कंपाइलर है, सी एक कंपाइल, सी के जो सोर्स कोड वो कंपाइल किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म की जब बात करेंगे तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, जैसे हम लोग विंडोज़ पे करते हैं, कोई लिनक्स पे करता है, कोई किसी और पे काम करता है। तो सी में अगर ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लिखा जाए जो हर जो प्लेटफॉर्म में रन करे, ऐसा नहीं कि आपने अगर विंडोज़ में सी का प्रोग्रामिंग किया तो विंडोज़ में ही रन करे, तो फिर वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा और फिर उसको कंपैटिबल भी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो सी पोर्टेबल लैंग्वेज भी है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी, यानी कि सी का जो किया हुआ प्रोग्राम, लिखा हुआ प्रोग्राम सी में, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी रन कर सकता है, ओके। उसके बाद मॉड्यूलैरिटी है, यानी कि अगर बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम, तो उसको हम मॉड्यूल वाइज उसको हम बांट के उसके बाद उसमें हम जो है फंक्शन अप्लाई करेंगे और फिर उसका जो आउटपुट है वो हमारे पास सटीक आउटपुट आएगा और बढ़िया काम करेगा। सो देज आर सम फ्यू जो यहाँ पे फीचर्स है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, आप उसको और आगे पढ़ सकते हैं। तो फीचर्स की जब हम बात करेंगे, फीचर्स ये हैं। उसके बाद जब ये फीचर्स आने के बाद सी के जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए ये पॉपुलर है और इसको सीखना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सी का क्या है, दैट मीन्स सी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज किस किस सॉफ्टवेयर में किया जाता है, सी के थ्रू हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। अब तक जो मॉडर्न लैंग्वेज में जो आपने सुना, जावा है, पाइथन है, .NET है, तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं या डेवलपर या प्रोग्रामर होते हैं वो प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम ही डेवलप करते हैं। लेकिन सी एक ऐसा लैंग्वेज है जो जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है, तो सी क्या करता है, उस लैंग्वेज को ही डेवलप कर देती है। देखते हैं, अब हम देखते हैं सी की एप्लीकेशन क्या है, इसका मतलब क्या हो, सी की एप्लीकेशन का मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ सी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग का जो यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने शुरू में कहा जनरल पर्पस, अब देखते हैं जनरल पर्पस क्या है। देखें, आप सी का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए भी सी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैंने शुरू में बताया था यूनिक्स जो है वो सी में ही लिखा गया है। उसके बाद बात करते हैं कंपाइलर्स। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर, एक सॉफ्टवेयर ही तो है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, किया जाता है, ठीक है। तो कंपाइलर भी है, असेंबलर भी है, ये सब सी में लिखा जाता है। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर है, किसी भी टेक्स्ट एडिटर की हम बात करें, नोटपैड है या कोई और है, जो सी में लिखा जा सकता है। टेक्स्ट एडिटर भी है जो सी में लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क ड्राइवर है, जो कंप्यूटर में हमारे नेटवर्क ड्राइवर जो है इंस्टॉल किए जाते हैं, तो वो भी सी में लिखा जा सकता है। यानी आप सी का जो इम्पोर्टेंस देख लें, सी का एप्लीकेशन देख लें, सी कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ये समझते हैं कि सी बस सेमेस्टर वन में पढ़ना, उसके बाद सी की जो है यूजेस ख़त्म हो जाती हैं, आगे वो जावा पे और दूसरे लैंग्वेज पे फोकस करते हैं। लेकिन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी आप सीखेंगे तब आगे सीख पाएंगे अच्छे से, और सी से ये भी जानेंगे कि सी लैंग्वेज से क्या क्या डेवलप किया जाता है, जो आपके स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर मॉडर्न प्रोग्राम्स, आज के ज़माने के जो प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम जो सी में लिखे हैं, आप नेट पर सर्च कर लें इसको। फिर डेटाबेस MySQL जो है वो भी सी में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस पर देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है। तो हमने देखा आज के लेक्चर में सी की ब्रीफ हिस्ट्री, और सी के हमने फीचर्स जाना, कितने सारे इंपॉर्टेंस है, फीचर्स है। उसके बाद सी का आपने एप्लीकेशन देखा। उसके बाद एक हम सैम्पल प्रोग्राम आपको दिखाते हैं कि सी में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। बहुत छोटा मैं दिखाता हूँ। जैसे आपने लिखा void main, फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा, printf hello। ये सबसे पहला हर बुक में भी लिखा रहता है, ये प्रोग्राम ये क्लोज हो गया। देखें आप सी का, जो सी कुछ भी नहीं जानते हैं और जो C++ पढ़े हैं 12th में, उनको तो ये सब पता ही होगा, लेकिन जो बिल्कुल नहीं जानते वो देख लें। अभी हम सिर्फ यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लाइन का कोड लिखे हैं, यहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है मेन से, फिर ये वाला लाइन जो है एग्जीक्यूट होगा, इसको हम कहते हैं प्रिंट फंक्शन।
जो उसके अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन में वो जो है प्रिंट कर देगा। ये हमारा आउटपुट स्क्रीन होगा, इसको यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है। सो दिस इज द सैम्पल प्रोग्राम, और इसके और हम डिटेल्स में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको हम कैसे एलैबोरेट कर सकते हैं, और सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि हम सी के कौन कौन से सी का जो सोर्स कोड है टॉप में क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, सबसे नीचे में क्या होना चाहिए, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और फिर सी से रिलेटेड आगे पॉइंट्स को हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अगर इस वीडियो आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आप दूसरों को भी बताएं, शेयर करें, और अगर कोई इसमें पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।